बिहार में नालंदा को पर्यटकों का सबसे बड़ा स्पॉट माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। बिहार के नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसका मकसद पहले से और ज्यादा देशी विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वेणुवन की भी अत्याधुनिक तरीके से सजावट की जा रही ताकि पर्यटक यहां आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। चीन के हांगझोउ प्रांत में स्थित 120 मीटर ऊंचे कांच के पुल की तर्ज पर ही इसका निर्माण किया गया है। पर्यटन विभाग अपनी इस योजना के तहत कई तरह की तैयारियां कर रहा है और इस योजना को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। बता दें, इसके तहत जू सफारी पार्क के अंदर नेचर सफारी पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कार्य कराया गया है। जू सफारी पार्क में आकर्षित करने वाले दर्शनीय पार्क का निर्माण भी हो रहा है। दरअसल बिहार का प्राकृतिक सौंदर्य राजगीर में जू सफारी पार्क में नेचर सफारी पार्क, तितली पार्क, आयुर्वेदिक पार्क, विभिन्न प्रजातियों के प्रसिद्ध देशी विदेशी पेड़ पौधों का दीदार करने के लिए अब नए साल में बिहार वासियों को सौगात मिलने वाली है। बता दें कि सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी जू सफारी पार्क को मान्यता मिल गई है और नए साल यानी 2021 में इसे आम जनता के लिए खोला जा सकता है।